तो चलो बेटा आज का लेक्चर चालू करते हैं। अब कल मैंने आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया था, मोशन और रेस्ट का डेफिनेशन बता दिया था आपको, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था, फिजिक्स क्या होता है, कैसे फिजिक्स में हम काम करते हैं ये मैंने बता दिया था आपको, है ना। और मोशन चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजीज, है ना। तो मैं ऊपर हेडिंग डाल रहा हूँ, आप भी अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे, टर्म्स रिलेटेड टू, टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। कुछ कुछ टर्म्स हमें पढ़ने पड़ेंगे ताकि हम मोशन को समझ पाए अच्छे से, और वो टर्म्स में वन बाई वन आपको पढ़ाते चलता हूं। तो सबसे पहला टर्म है आपका फर्स्ट टर्म, जिसको बोलते हैं पोजीशन। अब ये पोजीशन क्या है भाई, है ना। तो पोजीशन हमें पता होना चाहिए। तो पोजीशन क्या है, पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख देता हूं फिर समझाऊंगा, है ना। द लोकेशन ऑफ, द लोकेशन ऑफ अ बॉडी, द लोकेशन ऑफ अ बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस रेफरेंस फ्रेम। अच्छा, मैंने आपको बताया था रेफरेंस फ्रेम का मतलब कुछ नहीं, आपको क्या बताना है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को ही रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, मतलब जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से किसी भी चीज का लोकेशन बताना, उसको हम बोलते हैं पोजिशन, है ना। तो इस कॉल्ड एज पोजिशन, पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस फ्रेम, उस रेफरेंस फ्रेम के लिए वो पोजिशन हो जाएगी, है ना। रेफरेंस फ्रेम, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम किसी भी चीज की पोजिशन कैसे बता पाते हैं, हमारे पास मैथ्स में कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी जिस पॉइंट से ऑब्जर्व करेंगे उसको ओरिजिन मान लिया करेंगे, ताकि हम किसी भी चीज की पोजिशन को आसानी से समझा पाए, ऐसा मान लेंगे। और अगर पहले से कुछ दिया है तो उसके हिसाब से देख लेंगे, है ना। तो मैं जैसे आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो ये आपका ओरिजिन है बच्चों, ये आपका ओरिजिन है। जैसे आप लोगों ने नंबर लाइन देखी होगी ना, एक जगह जीरो होता है, फिर उसके राइट साइड पे वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, और पीछे अगर जाएंगे तो माइनस वन होता है, माइनस टू होता है, माइनस थ्री होता है ना, ऐसा आपने सीखा होगा। अब जैसे मान लो जीरो वाला पॉइंट मेरा रेफरेंस फ्रेम है, अभी मेरा रेफरेंस फ्रेम कौन है बच्चों, जीरो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेफरेंस फ्रेम, मतलब मैं जहां पे खड़े होके देख रहा हूँ उसको हम रेफरेंस फ्रेम बोल रहे हैं ना, रेफरेंस फ्रेम। और ये रेफरेंस फ्रेम वाला पॉइंट कौन सा है बच्चों, जीरो। तो मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। अब होगा क्या, जैसे मान लो कि ये जो थ्री वाला है, थ्री वाला पॉइंट है, जीरो से राइट हैंड साइड थ्री वाला पॉइंट, वहां पे एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है ए। और वैसे एलएचएस में मतलब आप जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जाओ तो यहाँ पे एक और व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है बी। तो अब आप जो ओ पे खड़ा है उस आदमी से पूछो कि भाई ए कहाँ है, हम किसके रेफरेंस फ्रेम में देख रहे हैं, किसके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, ओ वाले के, ओ वाले के, है ना बच्चों। तो ओ से पूछो कि भाई ओ बता कहाँ पे है ए, तो ए की लोकेशन ओ बताएगा, तो वो ए की पोजीशन हो जाएगी किसके रेस्पेक्ट में, ओ के रेस्पेक्ट में। तो हमने बोला बताओ भाई ओ ए कहाँ है, तो ओ जवाब देगा, ओ पे जो व्यक्ति खड़ा है वो जवाब देगा कि ए मुझसे आगे है, कितने आगे है बच्चों, तीन यूनिट्स, वन टू एंड थ्री। तो हमें पोजीशन मिल गई ए की, किसके रेफरेंस में, ओ के रेफरेंस में। तो पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ कितना हो जाएगा बच्चों, थ्री यूनिट्स। और क्योंकि ये राइट साइड है, राइट साइड है, तो डायरेक्शन का भी ख्याल रखना चाहिए ना अपन को। अब थ्री यूनिट्स है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो राइट है कि लेफ्ट में है, तो हम राइट वाले के लिए पॉजिटिव साइन असाइन कर लेंगे और लेफ्ट वाले के लिए नेगेटिव साइन। तो हम बोलेंगे कि ओ के रेस्पेक्ट में ए आगे है, मतलब प्लस थ्री यूनिट्स, है ना। तो तीन यूनिट्स आगे है, तो हमने प्लस थ्री यूनिट्स लिख दिया। वैसे ही आपका जो
दूसरा है पोजीशन ऑफ बी। अब आपको पोजीशन ऑफ बी बताना है तो किसके रेस्पेक्ट में बताना है, ओ के रेस्पेक्ट में। तो ओ पे जो आदमी है, अब उससे हम पूछेंगे कि बताओ भाई बी कहाँ है, तो ओ वाला आदमी बताएगा कि बी जो है वो 2 यूनिट्स मेरे पीछे है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में है तो उसके लिए अलग साइन यूज करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन यूज कर लेते हैं अपन, तो -2 यूनिट्स है ना बच्चों, -2 यूनिट्स। इसका मतलब ध्यान से देखो, जब आप पोजीशन बताते हो तो डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है कि भाई वो राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है, ये भी हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएंगे। तो डायरेक्शन का महत्व होता है, इसलिए पोजीशन जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पोजीशन की एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखेंगे पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपको कल फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी तो उसमें आपको मैंने स्केलर और वेक्टर बताया था, तो यहाँ पे आप पोजीशन के लिए देखो ये इंपॉर्टेंट है कि किस डायरेक्शन में गए हो आप, है ना, इसलिए प्लस माइनस आया है। तो हम लिखेंगे पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप नोट करेंगे। उसके बाद फिर अब आप ध्यान से देखो एक चीज और, क्या ओ के फ्रेम से ही देखेंगे हम हमेशा, ऐसा तो नहीं है भाई, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो मान लो हम वन पे खड़े हुए आदमी से पूछे, वन पे एक आदमी खड़ा है उससे पूछे, उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन पूछे, तो अब मेरा जो रेफरेंस फ्रेम है ना बच्चों वो चेंज हो गया। अब मैं रेफरेंस फ्रेम चेंज कर रहा हूँ, उसको एक डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, मान लीजिए मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ उसको, है ना, ये मेरा नया रेफरेंस फ्रेम है, मतलब अब जो मैं रेफरेंस फ्रेम ले रहा हूँ, रेफरेंस फ्रेम वो मेरा बदल चुका है, अब मैं ओ के रेस्पेक्ट में नहीं देख रहा हूँ, अब मैं वन के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, है ना, जीरो के रेस्पेक्ट में नहीं देख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम बदल दिया, अब मैं उन्हीं दो लोगों की क्या पूछता हूँ, पोजीशन, लेकिन अब मैं जीरो पे खड़े हुए आदमी से नहीं पूछूंगा, अब मेरा रेफरेंस फ्रेम कौन है, वन, तो मैं वन पे खड़े हुए आदमी से पूछूंगा। तो आप पूछोगे कि भाई वन वाले आदमी बताओ कि ए कहाँ है, तो वन वाला आदमी बताएगा कि ए 1 2 2 यूनिट्स आगे, देखो 0 से A 3 यूनिट्स आगे था लेकिन 1 से A 2 यूनिट्स ही आगे होगा, है ना। तो बच्चों वन के रेस्पेक्ट में आपका पोजीशन कितना हो जाएगा, +2 यूनिट्स आगे, है ना बच्चों, इसलिए इसको +2 यूनिट्स करेंगे हम। और वैसे ही पोजीशन ऑफ बी, अब आप वन वाले आदमी से पूछो कि बी कहाँ है, तो वन वाला आदमी बताएगा कि बी मेरे 3 यूनिट्स पीछे, 1 2 3, 0 से 2 यूनिट पीछे था लेकिन 1 से 3 यूनिट्स पीछे हो गया, 1 2 3, है ना बच्चों। तो पोजीशन ऑफ बी हो जाएगा पीछे है इसलिए -3 यूनिट्स, -3 यूनिट्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, पोजीशन बता सकते हैं, लेकिन पोजीशन देखो हमने रेफरेंस फ्रेम बदला, मतलब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बदला, तो पोजीशन भी चेंज हो गई, लोकेशन चेंज नहीं हुई, 3 पर ही है अभी भी कौन, ए, और एक्चुअल जो लोकेशन है वो अभी भी ए जो है वो 3 पे है और बी जो है वो 2 पे है, तो उनकी एक्चुअल लोकेशन चेंज नहीं हुई लेकिन पोजीशन चेंज हो गई। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि एक्चुअल लोकेशन सेम रहते हुए अलग अलग जगहों से पोजीशन अलग अलग हो जाती है ना। तो इस बात को हम लिख लेते हैं यहां पर नीचे कि भाई पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस चेंजेस इफ रेफरेंस फ्रेम चेंजेस, अगर रेफरेंस फ्रेम चेंज करेगा तो पोजीशन ऑफ बॉडी भी चेंज होगी, रेफरेंस फ्रेम चेंज होगा, रेफरेंस फ्रेम चेंज करेगा तो आपकी पोजीशन ऑफ बॉडी भी चेंज होगी, है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं ड्यू टू दिस हम बोल सकते हैं कि पोजीशन पोजीशन इज अ रिलेटिव टर्म, पोजीशन इज अ रिलेटिव टर्म। तो पोजीशन कैसा टर्म है, रिलेटिव, मतलब ये इस बात पे डिपेंड करता है, पोजीशन भी आपका एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, पोजीशन बेटा रिलेटिव टर्म है, क्योंकि ये इस बात पे डिपेंड करता है पोजीशन कि रेफरेंस फ्रेम कहाँ है, रेफरेंस फ्रेम बदलने से पोजीशन बदल जाती है ना, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो पोजीशन एक रिलेटिव टर्म है और रेफरेंस फ्रेम बदलने से पोजीशन बदल जाती है,
और किसी भी पोजीशन से हम रेफरेंस फ्रेम कैसे लिखते हैं उसका एग्जांपल ही मैंने बता दिया। तो आई होप आपको पोजीशन वाला टर्म जो है वो क्लियर होगा, है ना। तो मैं आप इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, हमने पोजीशन के बारे में पढ़ लिया है ना, अब हम सेकंड टर्मिनोलॉजी सीखेंगे जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो सेकंड टर्मिनोलॉजी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना। सेकंड टर्मिनोलॉजी क्या है बच्चों? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं एक जगह डिस्टेंस लिखते चलता हूँ और तीसरी टर्मिनोलॉजी है डिस्प्लेसमेंट, है ना। दोनों को कंपेयर करके हम पढ़ते चलेंगे। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो वन बाई वन इनके बारे में हम लिखते चलेंगे। पहले हम समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। जैसे मान लीजिए बच्चों, आपका एक पोजीशन ये है, ये आपका पोजीशन ए है, और यहाँ कहीं पे आपका पोजीशन मान लो बी है। अब किसी व्यक्ति को ए से बी जाना है, तो ए मान लीजिए ए से बी जाने के लिए जो उसको रास्ता पता है वो ये रास्ता है, कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़ा, ऐसा इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, और तब जाके वो बी तक पहुंचता है। ये इस तरीके से जाने में वो बी तक पहुंच पाता है, फ्रॉम ए से बी। तो उसने कुछ टोटल पाथ लेंथ कवर किया होगा, है ना बच्चों। मतलब इसकी, ये जो आपको पाथ दिखाई दे रहा है, इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। तो इसकी जो टोटल लेंथ होगी वो टोटल लेंथ ही क्या कहलाएगी बच्चों? डिस्टेंस। तो ये ऊपर वाला जो टोटल लेंथ हम निकालेंगे तो वो हमारा डिस्टेंस होगा। लेकिन आप सोचो कि ये सबसे छोटा रास्ता है क्या बी तक पहुंचने का? ये सबसे छोटा रास्ता तो नहीं है, इससे भी ये छोटा रास्ता पॉसिबल है। अगर आप ए से बी डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन में जाए, भाई आपको तो पता होगा ना कि स्ट्रेट लाइन में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कवर होता है। किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है कि उन दोनों पॉइंट्स को आप स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ए से बी हमने जोड़ा है, ये अपना शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल, शॉर्टेस्ट पाथ जिसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी और शॉर्टेस्ट है। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है जिसकी डिस्टेंस सबसे कम होगी, उसी को हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों? द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू पोजिशंस, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ, उसकी टोटल पाथ लेंथ जो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मैं ये डेफिनेशंस को ऊपर लिखता हूं और आप भी लिखते चले। तो डिस्टेंस में हम लिख लेंगे, पहला पॉइंट, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड कवर्ड बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो हम उसको डिस्टेंस बोलेंगे, जबकि हम डिस्प्लेसमेंट में पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट पॉइंट। क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, स्ट्रेट लाइन है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो हम लिख सकते हैं द शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलो, ये तो हमने इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया। अब इसकी कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं ना। तो मैं आपको कुछ सिचुएशन देता हूं और उसका आंसर आप मन में रखेंगे, फिर मैं जब आपको बताऊंगा तो आप देखना आप सही है कि गलत है ना। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो पहला केस, जैसे हमने कल, हमारा एक फ्रेंड बन गया था ना, एक चिंटू नाम का व्यक्ति। तो मान लीजिए चिंटू हमारा फ्रेंड है, तो उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहां से आपका ट्रैक है एक, है ना बच्चों, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूं मैं, ये एक ट्रैक है। तो मान लो ये जो ट्रैक है इस पे साइकिल चला सकते हैं हम,
है ना, तो चिंटू जो है अपना दोस्त वो साइकिल चलाएगा। ये पॉइंट जो है आपका मान लीजिए ए है, और ये पॉइंट साइकिल के ट्रैक का बी है। और आपको ये बताया गया है कि ये जो साइकिल का ट्रैक है ए से बी तक, वो आपका कितना 20 मीटर्स का है ना। ए से बी तक का जो ट्रैक है वो 20 मीटर्स का है ना, ऐसा हम मान लेते हैं। अब जो हमारा चिंटू है वो ए से साइकिल चलाना चालू करता है ना बच्चों, साइकिल चलाता है 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 और बी तक पहुंचता है। साइकिल चलाकर वो कहाँ तक पहुंचता है बच्चों, बी तक। तो ए आपका इनिशियल पोजीशन हो गया और बी आपका फाइनल पोजीशन हो गया, ठीक है। चिंटू का ए से बी गया ना, तो ए इनिशियल पोजीशन और बी जो है वो फाइनल पोजीशन। हम रेफरेंस पॉइंट किसको मान लेते हैं बच्चों, ए को, है ना। ए को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए हम कुछ सवालों का आंसर देंगे। तो अगर मैंने जैसे आपको पहला सवाल पूछा कि भाई बताओ कि चिंटू ने ए से बी में डिस्टेंस कितना कवर किया, तो भाई ये ए से बी स्ट्रेट लाइन में ही गया है, तो यही एक्चुअल पाथ हो गया। तो इस एक्चुअल पाथ की लेंथ कितनी है बच्चों, 20 मीटर। तो आप बोलोगे डिस्टेंस सर 20 मीटर है। फिर मैं आपसे बोलूंगा कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप बोलोगे ए और पॉइंट बी के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है वो भी 20 मीटर की है और वो राइट साइड है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बोल देंगे बच्चों आप लोग, +20 मीटर, है ना। तो ये दोनों आंसर आ गए पहला केस, है ना। फिर हम सेकंड केस के लिए ऐसे लिखेंगे। सेकंड केस में आपको बताता हूँ, सेकंड केस में वापस से चिंटू ए से गया, ऐसे गया 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 बी तक पहुंचा और फिर बी से अपनी साइकिल घुमाया और साइकिल घुमा के वापस कहाँ आ गया बेटा, ए पर, वापस ए पर आ गया। मतलब ए से गया और वापिस ए पर आ गया। तब मैंने आपसे पूछा, यानी कि आप ध्यान से देखें आप, तो इसकी इनिशियल पोजीशन भी ए है और बी से घूमकर वापिस ए पे आ गया, तो फाइनल पोजीशन भी ए है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या बच्चों, कि डिस्टेंस आपसे इस केस में डिस्टेंस पूछा गया, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, टोटल पाथ लेंथ कवर। तो देखो पहले वो ए से बी गया तो 20 मीटर चला और फिर बी से वापिस ए आया तो और 20 मीटर चला, तो टोटल पाथ कितना कवर किया उसने, 40 मीटर्स का। तो डिस्टेंस आपका 40 मीटर हो गया। और अगर मैं इसी सवाल में पूछूं बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप ध्यान से देखो, तो ए से गया और ए पे वापस आ गया, मतलब एक ही पॉइंट पे है और सेम पॉइंट पे है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 0, क्योंकि जिस पॉइंट से गया था उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो एक ही पॉइंट पर तो कुछ भी पाथ नहीं होगा ना बच्चों, शॉर्टेस्ट वो तो 0 ही होगा, दोनों सेम पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, 0 मीटर। ये भी आपको समझ में आएगा। अब जैसे मैं आपको थर्ड केस लूं, थर्ड केस में मैंने कहा कि चिंटू ए से साइकिल चलाना चालू किया, लेकिन इस बार वो साइकिल बहुत तेज चला रहा है, बहुत तेज चला रहा है, तो वो बी पे रुक नहीं पाया, उसके थोड़े आगे जाके रुका। कितने आगे जाके रुका, तो बी पॉइंट से 5 मीटर आगे। मतलब उसने इतनी तेज साइकिल चलाई कि एग्जैक्टली बी पे नहीं रुक पाया, वो बी से भी आगे चला गया और फिर बी से कितना आगे चला गया, 5 मीटर। अब इस केस में मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं, तो आप क्या बोलोगे कितना डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे सर ए से बी पहले उसने 20 मीटर कवर किया और फिर बी से और आगे चला गया 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो आपका हो गया 25 मीटर्स, है ना। उसके बाद फिर मैंने आपसे पूछा कि बताओ बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलोगे सर जो ये फाइनल पोजिशन में पहुंचा है बी से 5 मीटर आगे, तो ए से इसको मान लो सी और इसको मान लो बी, तो ए से सी, ए इनिशियल पोजिशन सी फाइनल पोजिशन, तो ये जो टोटल लेंथ हुआ ये स्ट्रेट लाइन भी 25 सेंटीमीटर की है, तो डिस्प्लेसमेंट +25 सेंटीमीटर, क्योंकि राइट साइड है ना बच्चों, +25 मीटर्स डिस्प्लेसमेंट भी +25 मीटर्स हो जाएगा, है ना। तो ये आपने बताया। फिर हम ऐसी कुछ सिचुएशन और देखते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं इस साइड, तो आपका फोर्थ केस, ये आपका ए और ये वही बी वाला पॉइंट है ना, अब थोड़ा जगह कम है इसलिए छोटा बना देते हैं, तो ये ए है और ये बी है। अब चिंटू ने क्या किया कि चिंटू साइकिल लेके निकला, पहले बी तक पहुंचा, फिर बी से उसने यू टर्न मारा और वापस ए तक आया, पलटी मारकर वापस ए तक आया, लेकिन ए तक आने में उसने साइकिल बहुत तेज चलाई इसलिए वो ए पे नहीं रुक पाया, ए से भी पीछे आ गया, पीछे आ गया सी तक, तो ए से कितना पीछे आया बच्चों, 5 मीटर। और हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये तो आपको पता ही है, अपना रेफरेंस पॉइंट तो ए ही था,
ए से ही ले रहे हैं ना अपन रेफरेंस को, तो ए ए तो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब मैंने आपको इस केस में पूछा कि भाई बताओ कि कितनी है टोटल डिस्टेंस, तो आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों, टोटल पाथ लेंथ है ना। तो पहले वो ए से बी गया तो 20 मीटर चला, फिर बी से ए आया तो 20 मीटर चला, 40 मीटर हो गया, और फिर वो सी पहुंचा तो टोटल कितना चला बच्चों, 45 मीटर है ना। लेकिन अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं इस केस में कि डिस्प्लेसमेंट बताओ बेटा कितना है, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल पोजीशन आपकी ए है और फाइनल पोजीशन आपकी सी है, तो ए से सी कितना चला है, 5 मीटर। लेकिन ध्यान से देखो तो ए के रेफरेंस में सी पे वो कहाँ गया है, लेफ्ट की राइट। तो आप बोलोगे सर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, तो अगर राइट साइड पॉजिटिव मानी है तो लेफ्ट साइड क्या मानना है, नेगेटिव। तो आपका जो 5 मीटर आंसर नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होगा -5 मीटर, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ए से अब वो लेफ्ट साइड पे है, सी वाला पॉइंट राइट साइड पे नहीं है ना। तो आई होप ये वाला भी आपको पॉइंट क्लियर होगा, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर। अब आप ध्यान से देखो, तो एक और केस करते हैं हम, फिफ्थ वाला। ए से बी जाएगा चिंटू साइकिल चलाते हुए, फिर वो वापिस आ रहा था, लेकिन अब ए और बी के मिड पॉइंट पे सी पर आके वो रुक गया है ना। तो ए से चला और फाइनली सी पे रुक गया, और बी और सी के बीच में या ए और सी के बीच में 10 मीटर की दूरी है ना बच्चों। तो अब आपसे पूछा गया बताओ कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, तो आपने बोला सर उसने ए से बी 20 मीटर्स और बी से सी 10 मीटर, तो टोटल 30 मीटर की पाथ लेंथ कवर की। और मैं आपसे पूछूं बच्चों कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा, तो आप ए से सी देखोगे, ए से सी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर्स का, तो आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे 10। और क्योंकि राइट की तरफ है सी इसलिए यहाँ प्लस, और जब सी लेफ्ट की तरफ था तो माइनस। तो आपको यहां से कुछ चीजें और समझ में आ रही होगी। देखो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है बच्चों, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है मतलब डिस्टेंस पे डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आगे जाए चाहे पीछे आए, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन का मतलब नहीं होता है ना, वो टोटल पाथ लेंथ होती है, इसलिए डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है ना। मैंने बताया था आपको कल स्केलर क्वांटिटी के बारे में, तो वो डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, जबकि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी है, मतलब डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है कि उसी दूरी पर है, तो नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इस बात को आप लिख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन पॉइंट्स को भी, कि जो हमारा डिस्टेंस है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ पे सर योर वॉइस सीखा, इज नॉट क्लियर, सर योर वॉइस इज नॉट, तो हमने ये जो 5 एग्जाम्पल है इससे हमने सीखा कि आपका जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव है। तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस पे डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता। और हमने दूसरी चीज ये देखी कि डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का रोल है, इसलिए हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पे एक चीज और लिख लेते हैं कि डिस्टेंस, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। देखो आपको जो 5 केसेस मैंने बताया तो उसमें बताया कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए हैं तो डिस्टेंस हमेशा कुछ ना कुछ होगा, जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट, आप इसमें केसेस देखो अब बच्चों तो आपको समझ में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो और पॉजिटिव, और किसी केस में नेगेटिव भी हो सकता है ना, तीनों हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं और नेगेटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप, और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर हम देखें ध्यान से तो आपको समझ में आएगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में और भी कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी,
देखो आप किसी भी एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 में आप देखो तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा था या तो बराबर हुआ। जैसे पहला पहला एग्जाम्पल देखें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर है। सेकंड में देखें तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा है? डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा है, जबकि थर्ड केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर है। और फोर्थ केस में आप देखो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बड़ा है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटा है। और फिफ्थ केस में भी ऐसे ही है। तो आप ध्यान से देखो तो सभी केसेस में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा है या तो बराबर है, यानी कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता, ये हर जगह वैलिड है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस पॉइंट को भी, कि जो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए बच्चों ऐसे दो बार लगा देते हैं ना, डंडे लगा देते हैं हम। जैसे किसी भी क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि सिर्फ यूनिट और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ऐसे बार लगा देते हैं, दो डंडे लगा देते हैं। तो इसका मतलब हम मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं हो सकता, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड या तो छोटा होगा डिस्टेंस से या फिर बराबर होगा, है ना। तो हम यहां लिख लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, है ना। तो ये बात को आप याद रखोगे, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ा होगा या छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ये एनटीएससी और कई ओलंपियाड्स वगैरह में भी पूछ चुका है पहले, है ना। अब वहां पे ये कैसे पूछते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, आप इसको इस साइड ले आओ तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और यहां से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा बच्चों? 1 बचेगा, है ना, ये मैथ साथ ही होगी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का जो रेशियो है, रेशियो वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होता है। ऐसे कई बार स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दी गई हैं और इसका इस ऑप्शन को आपको टिक करना होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने क्या बताया आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होता है। अच्छा बच्चों, एक बात और देखो, कि मैंने अभी जैसे आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर भी हो सकता है। तो बराबर कब हो सकता है, हम जरा उस चीज को ध्यान से देखें। तो आप देखो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल में बराबर था। जब पहले एग्जाम्पल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, यानी पहले एग्जाम्पल में जो चिंटू है वो स्ट्रेट लाइन में गया था और ना उसने यू टर्न मारा ना कुछ किया। और जब आप थर्ड देखें तो थर्ड में भी यही हुआ था कि ए से सी तक चिंटू स्ट्रेट लाइन में गया और उसने कोई भी पलटी नहीं मारी, यू टर्न नहीं मारा। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तभी बराबर होता है अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले विदाउट मेकिंग यू टर्न, पलटी मारे बिना। देखो सेकंड केस में चिंटू ने पलटी मारी थी तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो गया था। फोर्थ केस में भी यही हुआ था, फिफ्थ केस में भी यही हुआ था, और इवन कोई दूसरा केस भी हो, सिक्स्थ केस, जैसे मान लीजिए ये ए है ये बी है। अब मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा है, वो कोई और भी पाथ में चल रहा है, ऐसे आर्बिट्री इस तरीके से, या सेमी सर्कुलर या फिर ट्राइंगुलर पाथ में चले, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो स्ट्रेट लाइन ही होगी बच्चों। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा। लेकिन अगर दोनों को बराबर होना है तो जो पार्टिकल है, बॉडी है, उसको कैसा चलना पड़ेगा? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चलना पड़ेगा और विदाउट मेकिंग यू टर्न, और उसको पलटी नहीं मारनी होगी, तब जाकर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। नहीं तो हर केस में, इनको छोड़कर हर केस में, जो आपका डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा।
तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मैं यहाँ पे रेड कलर से लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ऐसा कब होता है, केवल हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऐसा तब होगा व्हेन अ बॉडी इज मूविंग, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विदाउट मेकिंग यू टर्न, बिना पलटी मारे अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलेगी बिना यू टर्न मारे, तो हमेशा डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। नहीं तो इसको छोड़कर कोई भी केस आप ले लोगे तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा ही होगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है ना बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूँ, छोटी सी चीज, अब यहाँ पे जगह नहीं है राइट हैंड साइड में, तो मैं डिस्टेंस के नीचे लाइन बना के लिख देता हूँ। ये भी पॉइंट डिस्प्लेसमेंट के लिए ही है, डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला भी होता है निकालने के लिए, आगे कई क्वेश्चंस में आपको काम आ जाएगा, तो मैं वो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोजिशन, है ना बच्चों। ये जो साइन है मैं यहाँ ऊपर बना देता हूँ, ये जो साइन है ऐसे ट्राइंगल, ये साइन होता है डेल्टा, डेल्टा इसको बोलते हैं डेल्टा, है ना, रीड करते हैं डेल्टा, और इसका मतलब होता है चेंज, इसका मतलब होता है फिजिक्स में चेंज। तो जैसे कभी भी आपको, जैसे मान लीजिए कि अभी आपकी क्लास, अभी जो आपकी स्कूल की क्लास है उसमें मान लीजिए 30 स्टूडेंट्स हैं, है ना बच्चों अभी, और जब आप एक महीने बाद क्लास में गए तो एक महीने के बाद आपके 40 स्टूडेंट्स हो गए। तो अगर आपसे बोला जाए कि बताओ बच्चों चेंज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कितना चेंज आएगा, चेंज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे 40-30 मतलब 10 स्टूडेंट्स बढ़ गए, तो वही तो चेंज आया है। तो हम लिखेंगे फाइनल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 40-30 तो हमारा चेंज इन स्टूडेंट्स कितना गया बच्चों 10। अब क्या होता ना कि फिजिक्स में ये चेंज वाला शब्द बहुत बार आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजिशन, चेंज इन आपका एक्सेलरेशन, है ना, तो ऐसा चेंज का जो शब्द है चेंज इन प्रेशर, तो ये कई बार आता है, इसलिए हम उसको छोटे में लिखते हैं, तो चेंज को हमेशा डेल्टा लिख लेते हैं। अब जैसे चेंज इन स्टूडेंट्स लिखना है तो हम लिख लेंगे डेल्टा स्टूडेंट्स, तो वो अपना 10 है, तो इस तरीके से डेल्टा सिंबल का हम यूज लेते हैं। तो हमेशा याद रखना, अब कहीं भी आपका डेल्टा लिखा हो, जैसे हमें चेंज इन वेलोसिटी बोलना है, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी। जैसे चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर, तो चेंज इन प्रेशर को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी। तो जहां भी आपको डेल्टा दिखाई देगा ना सिंबल, उसका मतलब चेंज है। तो यहाँ पे जैसे हमने एक्स से क्या डिनोट किया था बच्चों, एक्स से डिनोट किया था पोजिशन, तो डेल्टा एक्स क्या हो गया बच्चों, चेंज इन पोजिशन, है ना, चेंज इन पोजिशन। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा चेंज इन पोजिशन के बराबर होता है। अब चेंज इन पोजिशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, तो फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, तो ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है ना बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोजिशन, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। आप चाहो तो आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया था, जैसे पहले एग्जाम्पल में आपकी इनिशियल पोजिशन थी ए और फाइनल पोजिशन थी बी, और क्योंकि आपका रेफरेंस पॉइंट ए पे ही था, तो एक्स से जो है, मतलब यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट को ऐसे भी लिख सकते थे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को फाइनल पोजिशन एक्स बी माइनस इनिशियल पोजिशन ए, लेकिन आप ए पे ही खड़े हो तो पोजिशन ऑफ ए तो जीरो हो जाएगा, ए के रेस्पेक्ट में ए की पोजिशन क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो, और बी कितने आगे है, तो बी आपका 20 meters आगे है, तो +20 meters, तो ये आप 20-0 करोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा बच्चों, +20 meters। तो देखो यही तो आंसर आया था, वैसे आप सेकंड केस में भी लगा लेना, तो वहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई थी, तो एक्स ए माइनस एक्स बी, मतलब एक्स एक्स बी की जगह फाइनल पोजीशन एक्स से आएगी,
तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट में लिखते हैं एक्स ए माइनस एक्स ए, तो कितना जाएगा बच्चों, जीरो। तो देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो आया, मतलब ये जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, ये बिल्कुल सही है ना। तो ये भी मेरे को आपको बताना था। तो डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला भी होता है, दैट इज डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजिशन, और उसको हम कैसे लिखते हैं, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। तो आप कहीं कभी भी आपको फिजिक्स में किताबों में डेल्टा सिंबल दिखेगा तो आप समझ जाना कि चेंज की बात की गई है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आई होप ये आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। काफी सारी चीजें मैंने एक ही पेज में लिख दी है, जगह कम थी तो थोड़ा सा पास पास में हो गया, लेकिन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्योंकि मैं दूसरे पेज में लिखता तो फिर इतना समझ में नहीं आता आपको, इसलिए एक ही पेज में लिखना पड़ा मुझे। तो ये जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।